सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे भाई आप लोगों को भी सीखना है कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग, तो आप लोगों को वीडियो में पूरा लास्ट तक वाचिंग करना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे होता है। तो ठीक है ना मेरे भाई। तो इस फोटो को एडिटिंग करने में मैं जितना भी बैकग्राउंड एंड PNG का यूज करूँगा, सबका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रोज़ाना मैं ऐसा वीडियोज लाता रहता हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो मेरे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो मेरे जान आप लोगों को पता ही होगा कि फोटो एडिटिंग करने में, इस टाइप का बैकग्राउंड चेंज एडिटिंग करने में, सबसे फर्स्ट स्टेप आता है कि बैकग्राउंड का रिमूव करना। ठीक है ना मेरे भाई। तो ये इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसको मैं शेयर कर ले रहा हूँ अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो मेरे भाई आप लोगों को भी शेयर कर देना है फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। एंड गाइस शेयर कर देने के बाद से वन स्टेप में आप लोग को बताने वाला हूँ कि बैकग्राउंड इरेज कैसे होता है। जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड इरेजिंग में आप लोग बहुत ही सारा वेबसाइट का यूज किए होंगे, मगर फ्रेंड्स आप लोग को सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए आप लोग को मिलेगा मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप लोग जैसे बैकग्राउंड को इरेज करेंगे, आप लोग को वो चीज़ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। तो मेरे जान आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले इधर से स्क्रॉल डाउन ऐसे कि स्लाइड कर लेना है, यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा रिमूव बेजी, तो इस पर टैप कर देना है। और एंड गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना है, इस तरीके का प्रोसेस चालू हो जाएगा टैप करते ही। तो यहाँ पे अपने नेट को ऑन करना है, तब भी आप लोगों का भी कुछ इस तरीके का प्रोसेस चालू होगा। उसके बाद से एंड गाइस देख सकते हैं रिजल्ट कि ओनली वन क्लिक में आप लोग का बैकग्राउंड जो कि इरेज हो चुका है। तो एंड गाइस इरेज हो चुका है ना, तो उसके बाद से आप लोग इसको, आप लोग ये वाला इफेक्ट है इसी को लेकर सेलेक्ट करके आप लोग को डन करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख सकते हैं इसी को सिलेक्ट कर लिया हूँ। अगर एंड गाइस आप लोग इसको व्हाइट कलर का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाइट कलर ही होगा, मगर हम लोग को बैकग्राउंड रिमूव वाला ही चाहिए अपने मॉडल, तो यहाँ से इसको डन कर देना है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ से इसको डन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, जैसे कि यह बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को रिजल्ट सेम देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर, तो जैसे कि फोटो का क्वालिटी जैसा था वैसा सेम ही है, थोड़ा सा भी लॉस नहीं हुआ है। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो मेरे भाई यहाँ से आप लोग को सेव कर लेना है। एंड गाइस बैक आ जाना है और अपने बैकग्राउंड जो है उसको ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं अपने बैकग्राउंड को ऐड कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी ऐड कर लेना है। तो इसको जो बैकग्राउंड है इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद से क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग को अपने जो बैकग्राउंड में PNG को लगाना है उसको ऐड कर लेना है। तो इसमें फ्रेंड्स जितना भी PNG का यूज कर रहा हूँ ना, सबका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे ना, तो सब एप्लीकेशन आप लोग को, जितना भी एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड का यूज कर रहा हूँ, सब आप लोग को उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपने बैकग्राउंड में इसको एडजस्ट करके डन कर देना है और सिंपली से आप लोग को बैक आ जाना है। फिर से आप लोग को अपने PNG को ऐड कर लेना है। एक फ्रेंड से एक और PNG है, उसको भी आप लोग को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसको भी ऐड कर ले रहा हूँ। तो इसको ऐड कर देने के बाद से कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। और गाइस इसको मतलब डन नहीं करना है, यहाँ पे प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और अपना जो मॉडल है उसको ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ तेरा मेरा मॉडल, तो उसको मैं ऐड, मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मॉडल ऐड हो चुका है। तो एंड गाइस मॉडल ऐड हो जाने के बाद से आप लोगों को क्या करना होगा, इसको जूम करना है कुछ इस तरीके से, और जो बैकग्राउंड वाला PNG है उसको भी आप लोगों को साथ ही साथ जूम करना है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि कौन से आप लोगों को किस तरीके का अच्छा लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग अपने फोटो को मैनेज करना है। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से अच्छा लग रहा है, आप लोगों को इसको छोटा एंड बड़ा करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट ही करना है। ठीक है ना मेरे भाई, तो इसको मैं आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मेरा इस तरीके से कुछ करने पे अच्छा दिख रहा है, अपने अकॉर्डिंग अपने फोटो को भी मैनेज करके आप लोग अच्छे से अच्छे एडिटिंग कीजिएगा। ठीक है ना मेरे भाई। और आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा वीडियो में, तो आप लोग को ईजिली से यहाँ से कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, मेरा फोटो बन के रेडी हो चुका है। और आई होप आप लोग वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे कि इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे होता है। और फ्रेंड्स वो भी मैंने एक ही ऐप में आप लोग को इस टाइप का एडिटिंग करके दिखा दिया है। और आई होप आप लोग चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।